मैडम ये बताओ मेरे को, जो अभी रिसेंटली करीम नेटी की वीडियो आई, उसमें गाली भी दी गई है आपको ऊपर पूरा, मतलब देखा ही नहीं सच में? सच्ची मेरे भोलेनाथ की कसम, मतलब मेरे भोलेनाथ। हाँ, ऐसे कुछ इंटरव्यू चल रहा था और हस्बैंड ऐसे सामने बैठे हुए थे और मैं निकली थी, दूसरा दिन था शायद, देखो तीसरा दिन था और मेरे इंटरव्यू कंटिन्यू चल रहे थे। मेरा 63 इंटरव्यू था मेरा और सामने ऐसे यश बैठे थे और मैं ऐसे इंटरव्यू दे रही थी और वो हंस रहे थे, तो मैं उनकी तरफ देख रही, मैं तो क्यों हंस रहे हो? हाँ, तो उन्होंने कहा कि केवी की वीडियो आई है 2 घंटे पहले। पर उन्होंने बस ये कहा कि क्योंकि हम चाहते थे केरी कौन है, यहाँ है लेवल है, लेवल है, रोज करता है, नॉर्मल व्यक्ति को तो रोज नहीं करता, लेवल वाले को करेगा, अच्छे वाले को करता है। तो मैंने अपने आप को उसमें भी मैंने पॉजिटिविटी देखी कि चल ठीक है भाई, लेवल बना, गाली गलत कर, गाली गलत देगी, गलत। अगर मान ले अजाज खान ने करीम नाटी मिले थे, सॉरी मंगवाया, अगर आपको करीम नाटी लाइव मिलते तो क्या बोलोगे आप? सॉरी वॉरी नहीं, बस अच्छे से बैठ के बातें करेंगे। ऐसे करोगे, मास्क उतारो, ऐसे हाथ नहीं पाना अजाज खान की तरह। हम मेरा पता है बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, लोगों को लगता है इसमें एटीट्यूड बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे अभी देखे देखे 10-1 मिनट तो हुआ होगा, बिल्कुल हुआ। क्या लगता है कितना एटीट्यूड होगा मेरा? एटीट्यूड है ही नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं खुद बताती हूँ, मेरा बिल्कुल नहीं है। हम साथ बैठेंगे अच्छे, मैं अच्छे से रोज करो आमने सामने बैठ के, और गाली नहीं होनी चाहिए, हाँ नॉर्मल, क्योंकि परिवार भी देखता है, परिवार देखता है, और शायद आप भी किसी के बेटे हो, आपकी माँ ने आपको ये नहीं सिखाया हो। अच्छा एक बड़ा पॉइंट है, जैसे ठीक आप कर रहे हो अपना, लोग बोल रहे हैं अपनी सासू पे तो काम, सासू है ना आपकी? हाँ जी, मम्मा। सासू पे तो काम करवाओ, बहू अपना घर सोती है, लेटरी। अच्छा घर सोती है, ओके, समझ रहे ना रेडमी, तो मम्मी को बिठाया जाए इस बात पे। हाँ मतलब मम्मी को घर बिठाओ, आप करो काम, ऐसे बोलते हैं लोग। आपका क्या रिएक्शन? मैं बता, मेरी जैसे लव मैरिज हुई है, मैंने आप लोगों को बताया है, तो मम्मा 14 साल से टिफिन सेंटर चला रहे थे। ओके अच्छा, सुबह 4 बजे उठते उन्हीं के टिफिन से मैं और हम आपस में मिले, उन्हीं के टिफिन से, क्योंकि मैं जॉब करती थी हल्दीराम में, तो मेरा टिफिन मम्मी के यहाँ से, चंडीगढ़ सॉरी दिल्ली जॉब, दिल्ली से, हाँ हल्दीराम में, तो मम्मी के पास से मेरा टिफिन आया करता। ओके ठीक है, तो वो जब मेरा टिफिन खाली हो के मम्मी के पास, मतलब ऐसा कैसा भरा का भरा टिफिन चला जाता, तो मम्मी सोचती थी यार लड़की पैसे भी पूरे देती है, टिफिन भी नहीं खाती, दिक्कत क्या है। फैमिली को बहुत मिस करती थी अपनी माँ, वापस पूरा जाता था, पूरा दे देती थी ऐसा कैसा। यश काफी देर तक मेरे को देखते रहते थे कि क्या है क्या, लड़की घर से बाहर नहीं निकलती, इसके दोस्त यार नहीं है, कहीं घूमने नहीं जाती, दिल्ली की लड़कियां तो आपने देखी बिंदास घूमती फिरती रहती है सारे, तो मेरा बिल्कुल गेट बंद रहता था, यश अगर ऐसे कट कट करके गेट, तो मैं कहती थी बाहर टांग दू ले लूंगी मैं। अच्छा, तो उसको बहुत जानने की थी कि यार ये क्या है क्यों।